हेलो ग्रीन एगो, फिर से आप सबका एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ। और अक्टूबर महीना शुरू हो चुका है बट मैंने अभी तक आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का ऑफर नहीं बताया। तो इस वीडियो में मैं आपको फाइनली वो ऑफर बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपका अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके ₹50 तक का कैशबैक अर्निंग कर सकते हैं। इस ऑफर को क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट वाले भी यूज कर सकते हैं, प्लस में क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ स्कैन एंड पे करके कैशबैक ग्रैब करना चाहते हैं, वो भी इस ऑफर को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि जितनी भी नया ऑफर या अपडेट आते हैं उसकी क्विक इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। भले ही ये जो ऑफर है मैं आपको वीडियो बनाकर आज बता रहा हूँ, बट इसकी जो अपडेट है ऑलरेडी हम जो है अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर चुके हैं, तो आप ज्वाइन होते हैं तो इस ऑफर को ग्रैब कर चुके होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। बैक टू द टॉपिक कि आज कौन से एप्लीकेशन के जरिए हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके कैशबैक ग्रैब करने वाले हैं, तो इसके लिए आपके पास में होना चाहिए श्रीराम वन ऐप। देखो ये यूपीआई एप्लीकेशन है, इसमें बहुत ही आसानी से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। कैसे किया जाता है इस पर डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, ऑलरेडी लास्ट मंथ भी मैंने इसके रिलेटेड आपको एक वीडियो बनाकर दिया था कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके कैशबैक ग्रैब कर सकते हैं। तो इस बार क्या है कि डायरेक्टली आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पर कैशबैक नहीं मिल रहा, बल्कि आपको रिवॉर्ड जो है दूसरे ट्रांजेक्शन करके लेने पड़ेंगे और उन रिवॉर्ड्स का यूज करके आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो देख सकते हो मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, रिवॉर्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेंशन है कि आप 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं अगर एक स्कैन एंड पे करते हैं। तो P2 में यानी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके आपने पेमेंट करना है। तो मैं आपके सामने ही एक मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने वाला हूँ। ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है मिनिमम ₹99 का रखा गया, तो मैं ₹100 का पेमेंट कर देता हूँ और इसके लिए आप देख सकते हो मुझे 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो इस तरह से करके हम एक बार नहीं बल्कि 5 बार जो है 100-100 पॉइंट्स ले सकते हैं। एक पॉइंट की वैल्यू आपको 10 पैसा मिल जाता है, यानी 100 पॉइंट्स की वैल्यू आपको ₹10 मिल जाएगी। तो मैंने इस तरह से 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 500 पॉइंट्स मेरे पास हो चुके हैं। अब इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, अगर हम स्कैन पे करेंगे तो इसका यूज नहीं होगा, इसके लिए आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो फास्टैग है तो फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हो, या फिर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कीजिए और इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, भले ही आपके पास में कितने भी पॉइंट्स हो जाए आप सारे पॉइंट्स को एक बार में यूज नहीं कर पाएंगे। आपको 100 पॉइंट्स रिसीव हो रहे हैं तो 100-100 पॉइंट्स करके ही यूज होंगे। जैसे कि मैं अभी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने वाला हूं, तो इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया SBI क्रेडिट कार्ड को और यहां पर बस अपने लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने पड़ते हैं क्रेडिट कार्ड के और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो एंटर करना पड़ता है। सबमिट करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड का ड्यू अमाउंट फैच कर लिया जाएगा, मेरे केस में भी फैच कर लिया है। यहां पर हम जो है अमाउंट को चेंज करेंगे, इतना अमाउंट तो हमें पे करना नहीं है, तो जो मिनिमम अमाउंट है ₹199 का हम अगर करते हैं बिल पेमेंट तो उसमें हम अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो मैंने 200 यहां पर टाइप कर दिया है और जैसे मैंने आगे प्रोसीड किया तो यहां पर आप देख सकते हो 100 पॉइंट्स मेरे यूज हो रहे हैं, ₹10 का जो यहां पर डिस्काउंट है वो हमें मिल गया है इस रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए। तो 200 का बिल पेमेंट हमारे क्रेडिट कार्ड में सेटल होगा, बट हमें पेमेंट जो है ₹190 का ही करना है। सो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और ये आप देख सकते हो जैसे मैंने अपना UPI पिन एंटर किया ये जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से जो मैंने रिवॉर्ड्स अर्न किया था स्कैन एंड पे करके उनका यूज करके मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकता हूं। तो इस तरह से एक बार हमने कर लिया, 4 बार और कर सकते हैं जो कि ये टोटल 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज हो जाएंगे। तो अगर हम इसे परसेंटेज में काउंट करें तो 5% का फ्लैट आपको बचत हो रहा है, 5% का आपको कैशबैक मिल रहा है। तो आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहते हैं तो इस तरह से फर्स्ट आप रिवॉर्ड्स अर्न कर लीजिए, देन हम उन रिवॉर्ड्स का यूज करके क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके 5% का कैशबैक ग्रैब कर लीजिए। बात करें नेक्स्ट ऑफर, तो नेक्स्ट ऑफर के जरिए फ्लैट ₹150 तक का आप अर्निंग कर सकते हैं और ये जो ऑफर है अकाउंट स्पेसिफिक है, सभी के अकाउंट में शो नहीं हो रहा है। तो आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं गूगल पे के, गूगल पे का वो ओपन करेंगे, वहां पर आपको रिवॉर्ड्स के बगल में ऑफर्स वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है, उस पर क्लिक करके तो इस तरह का आपके सामने ऑफर देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर सकते हैं। मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू यहां पर ₹5,000 रखा गया है जिसके हिसाब से आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। तो 5,000 का अगर आप बिल पे करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ₹50 का ही कैशबैक मिलेगा। आपको टोटल ₹150 का कैशबैक अर्निंग करना है जो कि इस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, तो ₹15,000 का आपको बिल पे करना पड़ेगा तो आपको ₹150 का कैशबैक मिल जाएगा। तो आपको ये ऑफर शो कर रहा है तो इस ऑफर को भी ट्राई करके कैशबैक ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफर जो है अब आपको टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से भी देखने को मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी जरूर से कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।